ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है, वो अमेरिका के इतिहास में इस तरह से राष्ट्रपति बनने वाले पहले भी इंसान हो गए हैं जिस अंदाज में वो राष्ट्रपति बने हैं। तो अब शेयर बाजार ने भी जबरदस्त जोश दिखा दिया है, रिकॉर्ड उछाल उसने दिखाया, लेकिन उसके बाद आज भी डाउ फ्यूचर ऐसा दिखा रहे हैं कि यहाँ से भी बाजार कुछ ऊपर जाने के लिए तैयार है। हालांकि बाजार में अब इस बात पे चर्चा होने लगी है, विश्लेषण होने लगा है। भारत के बाजार ने तो आज निराशा दिखा दी, और दुनिया भर के बाजारों के या खास तौर पर अमेरिका के बाजार को देखें तो वो ये चर्चा हो रही है कि जो ट्रंप ट्रेड जिसे कहते हैं, ट्रंप के नाम पर दाम लगाया जाए, तो इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन अलग अलग होंगे, एक से नहीं होंगे। यानी कि आज अगर ट्रंप पे दाव लगाना है या ट्रंप के नाम पर बाजार में पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है, तो क्या लंबे दौर में भी यह फायदेमंद रहेगा, इस बात पर अब डिबेट हो रही है और डिस्कशन है। यानी कि साफ बात यह है कि राय बंटी हुई है, विचार एक नहीं है। अभी तक क्या है कि ट्रंप की जीत के बाद जबरदस्त तरीके से उछाल आया बाजार में, बिल्कुल ऐसा ही 2016 में भी हुआ था। अभी S&P 500 लगभग 2.5% बढ़ के बंद हुआ है, और क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब इरादे जाहिर कर चुके हैं कि और चीज़ों के अलावा वो टैक्स कट करेंगे, कॉरपोरेट टैक्स को ये 21 से 15 करेंगे। ये सारी जो कहानियां उनकी हैं उसके आधार पर अगर आप पिछली बार याद करेंगे, 2018 में ऐसा हुआ था कि ट्रंप ने पहला टैक्स कट किया था, उसके बाद S&P 500 की EPS यानी जो 500 कंपनियां S&P 500 इंडेक्स में शामिल हैं उनकी अर्निंग पर शेयर 21% बढ़ गई थी, जबकि उससे पहले वो 11 इससे पहले साल में उसमें 11% का उछाल आया था। और 2018 में इस टैक्स कट के बाद, जाहिर है जब टैक्स कट का मतलब है कि खर्चा कम हो गया, कमाई उतनी ही है, तो आपकी बचत या मुनाफा ज़्यादा हुआ, तो अर्निंग्स पर शेयर में 21% का उछाल देखने को मिला था। तो अब की तारीख में है कि रिपब्लिकन्स के पास कितना कंट्रोल होगा हाउस में, लेकिन बाजार में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो नया टैक्स कट का दौर आ सकता है उससे फिर EPS में कहीं 5 से 10% का उछाल देखने को मिल सकता है। और ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है, खास बात ये देखिएगा, जब बाजार शायद खुद ही एक रफ्तार पकड़ने की मुद्रा में दिखाई पड़ रहा है। S&P 500 की ज़्यादातर कंपनियां अभी जो उनके तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, अमेरिका में कैलेंडर ईयर चलता है, ध्यान रखिएगा, जनवरी से दिसंबर, भारत की तरह वहाँ अप्रैल से मार्च नहीं चलता है, इसलिए जब यहाँ सेकेंड क्वार्टर जिसको कहा जा रहा है वहाँ उसको थर्ड क्वार्टर कहा जाता है, तो वहाँ तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हुए हैं उनमें से 75% से ज़्यादा ने एनालिस्ट की उम्मीद से बेहतर नतीजे दिखाए हैं। और ये जो फैक्टसेट नाम का की एक एजेंसी है जो इस तरह के एनालिसिस करती है, वो कह रहे हैं कि ये करीब 10 साल का जो एवरेज है उसके साथ तालमेल में है, इन लाइन है। और अब उम्मीद की जा रही है कि 2024 में कुल मिला के जब EPS कैलकुलेट किया जाएगा तो पिछले साल के मुकाबले ये लगभग 9.6% ऊपर होगा। हालांकि इसके साथ अब चिंता की बात यह है कि S&P 500 में ये अच्छी खबर दिखाई पड़ रही है, यहीं जानकारों का कहना है कि ये सरप्राइज या उम्मीद से बेहतर नतीजे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपनी उम्मीदें पहले ही कम करके रखी हुई थी। जो पिछली बार उन्होंने प्रोजेक्शन किए हुए थे उसके मुकाबले प्रोजेक्शन 3.6% नीचे करके इस बार रखे गए हैं, उम्मीद कम थी लोगों की, और इसीलिए ये जो 3% कम किया गया ये पिछले 10 साल के मीडियन से 3.3% से ज़्यादा है। यानी कि उम्मीद से पहले उम्मीद कम की गई, फिर उम्मीद से बेहतर नतीजे आ गए, तो एक तरह का एक फसन दिख रही है साफ साफ। कुछ फर्म्स हैं जो नेगेटिव गाइडेंस दे रही थी, लेकिन ये थोड़ी बारीक बात है। अब इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे, अगले 12 महीने का जो नतीजा दिख रहा है वहाँ कह रहे हैं S&P 500 में नेट प्रॉफिट की जो प्रोजेक्शंस हैं वो 13% से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। 12 महीनों के ट्रेलिंग एवरेज के हिसाब से अगर जोड़ते चलेंगे तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। लेकिन एक संभावना ये भी दिख रही है, आशंका ये दिख रही है कि शायद ये 12% पर ऑलरेडी पीक हो चुका है। तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि जो पीछे की तरफ पी बनती है
प्राइस अर्निंग रेशियो पिछले 12 महीनों की गणित जोड़ के और जो प्राइस अर्निंग रेशियो अगले 12 महीनों की उम्मीद पे टिके हुए हैं, इनके बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। यानी वास्तविकता और उम्मीद के बीच में एक बड़ी भारी खाई दिखाई पड़ रही है। और ये 2000 की शुरुआत का जो .com बबल था उसके और 2020 और 21 के बीच में जो पैंडेमिक का झटका लगा था, इन दोनों को अगर छोड़ दें तो ये इतिहास का सबसे बड़ा गड्ढा दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ कि शेयर जैसे दिख रहे हैं, जितनी उनकी इस वक्त औकात दिख रही है, वो महंगे हैं, यानी कि असली उनकी कीमत इससे कम होनी चाहिए थी। तो ये एक चिंता का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, जो ट्रम्प साहब करेंगे, जो उनकी कुछ पॉलिसीज होंगी, वहाँ अब नज़र लगी हुई है। एक जो वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं कि 10% अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ जो इम्पोर्ट होती है उस पर 10% की ड्यूटी लगा देंगे। और दूसरा चीन पर, और बड़ा चीन पर 60% की ड्यूटी लगा देंगे। तो इसको मिला के जो असर होगा वो बहुत दूर का असर है, लंबे दौर में होगा और उसको एसेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब पिछली बार उन्होंने यही काम, इसी तरह का काम किया था, टैरिफ बढ़ाए थे 2019 में, तो उसके बाद एक तरह का पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में रिसेशन या मंदी जैसे हालात पैदा हो गए थे और जिसका असर बाकी दुनिया पे जो हुआ वो हुआ। S&P 500 कंपनी यानी अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज की EPS में भी 0.5% की गिरावट देखने को मिली थी, 0.5% पूरी 500 कंपनीज में। और जब उस 500 के अंदर इंडस्ट्रियल्स सेगमेंट जो होता है, जो औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का सेगमेंट, उसमें 16% की गिरावट देखने को मिली थी। हो सकता है कि इस बार जो असर हो इस तरह के टैरिफ का वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इस वक्त नज़र है FOMC यानी अमेरिकी फेड रिजर्व के रेट डिसीशन पर। आज रात को वो आ जाएगा और अभी तक ऐसा लग रहा है कि अगर अच्छा नतीजा आ गया जैसा बाजार चाहता है तो जहां बाजार पहुंचा हुआ है यहां से वो कुछ और ऊपर जाने की उम्मीद अभी उसमें बाकी दिखाई पड़ रही है। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।